हेलो एवरीवन एक बार फिर आप सभी का जयंसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत नमस्कार आदाब सत शामिल नॉर्थ नॉर्सेट जीरो सिक्स बहुत करीब बी एच यू बनारस बहुत करीब बी एस एस बी ई एस आई सी आने वाले सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सु, ठीक सुबह साढ़े दस बजे एक इम्पॉर्टेंट सेशन जहाँ पर सीनेरियो स्किल सिमुलेशन हर तरीके के एम सी आपसे पूछने की कोशिश करते हैं एंड होप यू कैन एंजॉय दैट सेशन तो क्लास को कैरी करने से पहले एक बार मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर जरूर करें यश इट्स इंडिया पायल परिचौरी बलवीर नागिता चंचल शिवानी तोमर कामिनी अनुराधा पूनम सुरक्षा कश्यप कंचन पटेल पल्लवी सरिता चतुर्वेदी राजीव आयशा ओके फाइन क्लास को कैरी करें बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ की अपनी ऊर्जा को खुश रखने में ही खर्च करिएगा अपनी जो ऊर्जा है उसको खुश रहने में ही खर्च कीजिएगा क्योंकि खुशी से ही आपकी ताकत बढ़ती है कई बार हम जिक्र करते हैं कि जितने आप हैप्पी रहोगे उतने आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करोगे तो मेरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपनी ऊर्जा को खुश रहने के लिए ही खर्च कीजिएगा क्योंकि खुशी से ही आपकी ताकत बढ़ती है तो इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी करते हैं और आज की इस क्लास का पहला एमसीक्यू आपके सामने एक फोटो आपको दिख रहा होगा एक इमेज आप देख पा रहे होंगे और इस इमेज को देख करके आप आंसर डिटेक्ट करने की कोशिश करें मैंने लिखा है करेक्ट आइडेंटिफाई द बिलो गिवन इमेज सक्शन कैथिटर राइस ट्यूब न यंकर सक्शन सेट या फॉलिस कैथेटर आपके सामने एक डिवाइस है एक डिवाइस आपको दिख रहा है और इस डिवाइस को हम इस ट्यूब से कनेक्ट करते हैं और ट्यूब का एंड पोर्शन फिर हम सक्शन से कनेक्ट करते हैं सक्शन से कनेक्ट करते हैं सक्शन मशीन से कनेक्ट करते हैं और मैं इनडायरेक्टली आपको हिंट देता हूं दट यूज

और बॉडी के किसी पार्ट में इंसिजन देख करके जब हम ओपन करते हैं तो वहां डेफिनेटली कैपलरीज डैमेज होता है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड का एक्मलेन होता है वो ब्लड आपके सर्जिकल इंटरवेंशन में इंटरप्ट करता है तो हम इस सक्शन डिवाइस को यूज करते हैं टू तो सक सब्सटेंस इट मे ब्लड इट मे वेस्ट सब्सटेंस तो अब मैंने आपसे पूछा है कि ये जो आपके सामने एक इमेज पुट किया हुआ है ये क्या डिवाइस है क्या ये फॉलिस कैथिटर है देखिए डेफिनेटली फॉलिस जो है ये तो ऑलरेडी बाहर हो गया राइस ट्यूब बाहर हो गया क्योंकि राइस ट्यूब और फॉलिस कैथिटर दोनों ही नहीं है अब आपके पास सक्शन कैथिटर एंड का सक्शन विच इज द करेक्ट वन शुक्रिया सुरक्षा ऑलमोस्ट बच्चे है दे है वेरी, वेरी गुड कॉन्फिडेंस और बच्चों का कहना है कि सर जो है सी आपका राइट होगा वेरी गुड मॉर्निंग ऋषि बिल्कुल एब्सोलूटली आपका सी राइट है मैं कह सकता हूं कि शानदार शुरुआत ंकर सक्शन सेट इज यूज टू सक्शन फेरेंजियल सिक्रेशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एस्पाशन और एक मैंने कहा फेरेंजियल सिक्रेशन तो सक कर ही रहा है और दूसरा जैसे मैंने कहा था ड्यूरिंग ड्यूरिंग सर्जरी टू सक या ड्यूरिंग सर्जरी टू रिमूव ब्लड एंड वेस्ट वेस्ट ऑफ ब्लड को रिमूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं ओके फाइन नाउ नेक्स्ट वन फॉर द क्लाइंट हु हैज हिमोफीलिया बहुत अच्छा हमसे है? एक पेशेंट है उसको हिमोफीलिया अब आपको अच्छे से पता है हिमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है तो नर्स इज कैरिंग फॉर द क्लाइंट हु हैज द क्लाइंट रिपोर्ट्स द क्लाइंट रिपोर्ट्स पेन पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है एंड स्वेलिंग इन ए जॉइंट इन ए जॉइंट ये पेशेंट की कंप्लेन है कि अब कह रहा है पेशेंट कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है स्वेलिंग हो रहा है जॉइंट में फॉलोइंग एन इंजरी चोट लगने के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक अब डीएनएस कौन सा एक्शन लेगी डीएनएस जो है कौन सा एक्शन लेगी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस है फोर ऑप्शन मैंने आपके सामने फुट कर दिए। ऑप्शन ए एपटेन ब्लड सैंपल टू तो टेस्ट प्लेटलेट फंक्शन बी प्रिपेयर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर सी एडमिनिस्टर एस्प्रीन फॉर द क्लाइंट पेन एंड डी प्लेस द ब्लीडिंग ज्वाइंट इन ए डिपेंडेंट पोजिशन टेल मी विच इज द करेक्ट वन क्या सही होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर थैंक यू चंचल क्विक आंसर विच इज द करेक्ट वन वी हैव फोर डिफरेंट ऑप्शन और आपको एक राइट आंसर फाइंड आउट करना है मैंने कहा कि पेशेंट को है दैट इज अ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर डिजीज है पेशेंट कह रहा है मुझे पेन हो रहा है मुझे स्वेलिंग हो रहा है और जॉइंट में कब हो रहा है जब उसको इंजरी हुआ कब हो रहा है जब उसको इंजरी हुआ

पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इंटरवेंशन प्लान करना तो ए आपका बाहर हो गया ए इंडिकेट करता है प्लेटलेट के फंक्शन को चेक करना तो दैट इज इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टिगेशन की बजाय हम प्रॉब्लम को क्योर करने में फोकस करेंगे प्रिपेयर द रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर हाँ ये एक राइट right आंसर हो सकता है एडमिनिस्टर स्प्रीन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एस्प्रीन एंटी प्लेटलेट ड्रग है एसप्रीन एंटी प्लेटलेट ड्रग है और एंटी प्लेटलेट का रिस्क हमेशा क्या होता है ब्लीडिंग होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग का रिस्क हमेशा क्या होता है ब्लीडिंग होता है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो मैं कहना चाहूंगा कभी भी हीमोफीलिया वाले पेशेंट को एस्प्रिन नहीं देना है बिकॉज अगेन ये ड्रग आपने किसी को दिया तो ब्लीडिंग और सीवियर हो सकता है ब्लीडिंग और सीवियर हो सकता है तो सी को भी बाहर कर दिया डीम लिखा प्लेस द ब्लीडिंग ज्वाइंट इन डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट हमें एलिवेट करना है हमें करना है, जिससे क्या होगा का आएगा. आएगा, तो हमें डिपेंडेंट पोजिशन की बजाय हमें लिम्स को एलिवेट करना लिम्स को एलिवेट करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो फाइनली आपका डी भी बाहर हो गया तो राइट right आंसर क्या होगा बच्चों राइट आंसर क्या हो गया अब तो समझ में आ गया होगा शीला रानी शीला विशू हैप्पी बर्थडे डियर शुक्रिया नीलकंठ साहू बिल्कुल बिल्कुल दोनों आंसर बच्चे कह रहे हैं सर हमारा सही हुआ और मैं कहूं दोनों के बजाय नेक्स्ट तीसरा भी सही होगा है ना बी आपका राइट आंसर है जिन्होंने बी लिखा और क्योंकि हमें ट्रीटमेंट पर्पस से इंटरवेंशन को प्लान करना था और एक ही इंटरवेंशन जो आपको इंडिकेट करा है इट हेल्पिंग टू फॉर द ट्रीटमेंट पर्पज इनर्स रिव्यूइंग ए क्लाइंट रिपीट लैब रिजल्ट फोर आवर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफ एफ पी मतलब पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा शुक्रिया प्रतीक थैंक यू सो मच तुमने यहां पर क्लियरली मैंशन किया कि नर्स इज रिव्यूइंग ए क्लाइंट रिपीट लैब रिजल्ट फोर आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा फॉलोइ लैब रिजल्ट शुड द नर्स रिव्यू अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने के बाद डीयर नौसा टेस्ट करेगी कौन सा टेस्ट करेगी टू रिव्यू हमें देखना है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पेशेंट को इफेक्टिव है या नहीं इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं देन यू कैन फाइंड आउट इट एवरी वन यू कैन सी देखिए प्रोथोमबिन टाइम चेक करोगे क्या डब्ल्यू बी सी काउंट चेक करोगे क्या प्लेटलेट काउंट चेक करोगे क्या हीटोक्रिट हीटोक्रिट ट्रेंडिंग लॉग ट्रेंडिंग ब्लॉग्स हेलो सर हेलो माय डियर वेलकम इन जे एंड फैमिली आज मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूं इट्स ओके माय डियर आप मुझे बताएं कि पेशेंट को जो है रिपीट करना है लैब रिजल्ट फोर आवर आफ्टर मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने के चार घंटे बाद चार घंटे बाद तो चारों में से कौन सा लैब टेस्ट हम रिपीट करेंगे चारों में से कौन सा लैब टेस्ट हम रिपीट करेंगे? क्या बात है आ सी भी लिख रहे हैं ए भी लिख रहे हैं डी भी लिख रहे हैं मैं आपको थोड़ा और क्लू देता हूं, थोड़ा और क्लू देता हूं डब्ल्यू जो है इंफेक्शन के डिग्री ऑफ इंफेक्शन के लिए हम करते हैं तो यहां WBC को एलिमिनेट करो डब्ल्यूबीसी और फ्रोजन प्लाज्मा का कोई मतलब नहीं है ठीक है ठीक की बात करें Hemetocrit हमेशा RBC के percentage को रिप्रेजेंट करता है और और को हम आप बोलते बोलते हो Packed Cell Volume. PCV हो नेहा शर्मा वेलकम आई डर नेहा तो मैंने लिखा कि हिमेटोक्रिट जो है मैं कह सकता हूं कि जैसा पैक्ड सेल वॉल्यूम और ये नॉर्मली 42 से लेके 44 परसेंटेज होता है और इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ आर इन योर ब्लड आपके ब्लड में आर कितना परसेंटेज है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है हिमेटोक्रिट तो मैंने इसको भी बाहर कर दिया अब आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों दो ऑप्शन है देखिए गलती कर रहे हैं गलती करें है, गलती करें जस्ट वेट वेट नहीं पता तो वेट करें इच्छुकी निशा देखिए आप प्लेटलेट और प्रोथोम्बिन में से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नगीता तिवारी थैंक यू सो मच माय डियर बिल्कुल राइडर 125 डेफिनेटली माय डियर शुक्र निशा तो दैट इज योर प्रोथोमिन टाइम एक्चुअली क्या होता है प्रोथोमिन टाइम जो है नॉर्मली 10 टू 12 सेकंड कंसीडर करते हैं टेन टू ट्वेल्व सेकेंड कंसिडर करते प्रोथमिन टाइम का मतलब हमने ब्लड को कलेक्ट किया प्लस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को एड किया फैक्टर को एड किया देन टिल टिल अरेस्ट टिल अरेस्ट क्या किया हमने पेशेंट का ब्लड लिया उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ऐड किया लाइक थ्रोमोप्लास्टिन ऐड करने के बाद से लेके ब्लड क्लॉट होने तक का जो टाइम होता है इस टाइम को हम लोग प्रोथोमिन टाइम कहते हैं इस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं प्रोथोमिन टाइम सिंपली याद रखना ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ऐड करके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ऐड करने से टिल अरेस्ट तक जो ड्यूरेशन लगता है दैट ड्यूरेशन वी कैन से दैट इज़ द प्रोथमिन टाइम प्रोथोमिन टाइम जी अनुराधा बिल्कुल सही फाइंड आउट किया और आ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा बच्चा यही तो होता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और स्टूडेंट अपने टीचर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें बट मैं हमेशा कोशिश करता था कि जितना मेरे पास टाइम मिले मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को डिलीवर करूं हो सकता है एक या दो एम क्लास का आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिले आखिरी मेहनत जो है वो स्टूडेंट करते हैं थैंक यू कंचन बिल्कुल आप सही फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैंने इसलिए लिखा है डिजायर इफेक्ट इज डिक्रीज पीटी यदि पीटी जो है नॉर्मली यदि टेन टू ट्वेल्व आ रहा है टेन टू ट्वेल्व आ रहा है और पेशेंट को आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे रहे हैं तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है तो डेफिनेटली यदि आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इफेक्टिव है तो ये टाइम डिक्रीज होगा टाइम डिक्रीज होगा मतलब ये 10 टू 12 जो सेकंड है उससे कम होगा ताकि इट हेल्पिंग टू इंडिकेट पेशेंट डस हैव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आगे समझ में ओके okay, फाइन अब मैं आगे चलता हूं अगले एमसीक्यू की तरफ थैंक यू अवंदना, शुक्रिया बलवीर शुक्रिया सुषमा कुमारी हियर यू कैन सी एवरीवन, व्हाट पार्ट ऑफ ईसीजी ट्रेसिंग रिप्रेजेंट द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एट्रियल एक्टिविटी टू द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर एक्टिविटी ये ईसीजी के कम से क्यों जिसको मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया है नॉर्मली हम लोग पढ़ते बट इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि वॉट पार्ट ऑफ इसीजी ट्रेसिंग रिप्रेजेंट द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एट्रियल एक्टिविटी टू द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर एक्टिविटी सिंपली ये आपका इसीजी है ये आपका इसीजी है दैट इज योर पी क्यू आर एस टी आप इस ग्राफ पेपर को देखिएगा मैं मैंशन कर रहा हूं दैट इज योर पी दैट इज योर क्यू आर एस टी ये मैंने आपके सामने वेव फॉर्म पुट किया शुक्रिया पल्लवी ये मैंने आपके सामने वेव फॉर्म पुट किया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अब आप मुझे बताएंगे क्या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है क्या जे पॉइंट रिप्रेजेंट करता है क्या क्यू टी इंटरवेल रिप्रेजेंट करता है क्या पी आर इंटरवेल रिप्रेजेंट करता है निशा अब आप आंसर पुट करिएगा बच्चों मैंने आपके सामने एक एक ईसीजी एक का इमेज पुट बन, बनाया है इधर चार ऑप्शन लिखे हैं मैंने पूछा कि एट्रियल एक्टिविटी मैंने कहा कि एट्रियल एक्टिविटी से लेकर वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर एक्टिविटी तक को कौन रिप्रेजेंट करता है कौन रिप्रेजेंट करता है देखिए दैट इज पावर ऑफ जे आई एन सी आई रियली फील वेरी प्राउड यह है जे एन सी के बच्चों की ताकत है ना सभी बच्चों ने हंड्रेड परसेंट बच्चे जो है सही आंसर लिख रहे हैं मैंने पूरी लैंग्वेज चेंज की और डेफिनेटली पी आर इंटरवल आपने लिखा पी आर इंटरवल आपने लिखा बहुत बढ़िया सुपर पार्टिसिपेशन एक्चुअली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या करता है वेंट्रिकुलर यह सिर्फ क्या करता है बच्चों वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर ये डीपोलराइजेशन का काम करता है याद रखिएगा दैट इज अ ड्यूरेशन 0.04 से लेके 0.1 पॉइंट वन सेकेंड वन सेकेंड में कह सकता हूं ठीक है एंड क्यूटी इंटरवल जो है डीपोलराइजेशन या मैं कह सकता हूं टोटल टोटल ड्यूरेशन टोटल ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल तो इसको भी बाहर कर देते हैं मैं आपको जे पॉइंट के बारे में भी बताने वाला पी आर इंटरवेल और पी आर इंटरवेल का ड्यूरेशन 0.12 से जीरो पॉइंट टू जीरो आई थिंक एवरीबडी नो वेरी वेल शुक्रिया कविता साहू तो आपका राइट आंसर इज पी आर इंटरवल जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली पी आर इंटरवेल आर रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट कंडक्शन ड्यूरेशन एस ए नोड एवी नोड बंडल ऑफिस पुरक और कंडक्शन से जब एस नोड से इम्पल को जनरेट होना होगा तो एट्रियम में जनरेट होंगे और एट्रियम में जनरेट होंगे तो फ्यूचर एटीएल कॉन्ट्रेक्शन होगा थैंक uh, यू राजीव शुक्रिया डियर राजीव का कहना है कि सर एटीएल मतलब पी वे मैं आपकी टू ईयर बिफोर ई सी जी क्लास देखते देख चुका हूँ क्या बात है बहुत बहुत बढ़िया तो आपका राइट आंसर मिला बच्चों मैं जे पॉइंट का जिक्र कर रहा था तो थोड़ा सा आपको जे पॉइंट के बारे में बता देता हूं ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आपको जे पॉइंट के बारे में बता देता हूँ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप इस इमेज की तरफ देखिएगा इमेज की तरफ देखिएगा ये आपका पी वेव है क्यू आर एस टी अब जो एस जो आपको दिख रहा है एंड हो रहा है यहाँ एक एंगल बन रहा है यहाँ एक एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या कहते हैं जे पॉइंट इस एंगल को क्या कह रहे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जे पॉइंट आप देख पा रहे होंगे पी क्यू आर एस टी जहां क्यू आर एस एंड हो रहा है और एस टी बिगनिंग हो रहा है तो जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज नाउन एज जे पॉइंट दैट एंगल इज नाउन एज जे पॉइंट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर उसी जे पॉइंट को आप दूसरे इसी जी में देखेंगे तो आप एलिवेटेड दिख रहे हो दूसरे इमेज में देखेंगे जे पॉइंट एलिवेटेड दिख रहा है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स फर्स्ट में नॉर्मल जे दिख रहा है सेकेंड में जे एलिवेटेड दिख रहा है टॉल दिख रहा है डू यू अंडरस्टैंड एवरी वन टॉल दिख रहा है अब मैंने यहां लिखा है जे पॉइंट इज अंक्शन बिटवीन टर्मिनेशन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मैंने कहा था जहां से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टर्मिनेट होता है एंड बिगिनिंग ऑफ द एस टी सेगमेंट ऑलरेडी मैंने आपको कहा क्यू आर कॉम्प्लेक्स जहां टर्मिनेट हो रहा है एस टीज ऑफ बिगिनिंग हो रहा है वहां पर जो एक एंगल बन रहा है दैट इज एट जे जंक्शन पॉइंट मेक एंड ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जे पॉइंट एलिवेट यहां पर जे पॉइंट क्या है एलिवेट है। उसको हम कहते हैं ऑस्बॉन वेव कैमल हम्प इंडिकेट हाइपोथर्मिया इंडिकेट हाइपोथर्मिया हा राइडर यू कैन कॉल ऑन जे एन सी नंबर यू कैन कॉल ऑन जे एन सी नंबर

ये जीन का नाम है तो हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये इमेज आपको देखने को मिले कि जे पॉइंट एलिवेटेड है तो क्या इंडिकेट करता है और या सिर्फ आपको इमेज दिखे पूछे कि इसमें क्या वेरिएशन दिख रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि सर यहां पर जे पॉइंट जो है वो एलिवेटेड दिख रहा है आगे कैरी करें

एंड आर यूज डैश बस ये डैश को भरना है खाली जगह को भरना है रिक्त स्थान को भरना है शुक्रिया नामिका ऑप्शन ए द मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोड आर डिस्पोजेबल एंड आर यूज मोर देन वंस क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है री यूजल मोर देन वंस डिस्पोजेबल वंस रीजेबल वंस क्विक आंसरपुट करिएगा क्विक पुट करिएगा ये मैं बात कर रहा हूं जब आप किसी पेशेंट को ईसीजी करते हो जब आप किसी पेशेंट को ईसीजी करते हो तो आपने देखा होगा चेस्ट लीड लगाते हो चेस्ट लीड लगाते हो V1 से लेके V6 तक आप चेस्ट लीड लगाते हो तो हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं और उन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पे लीड को जो है हम कनेक्ट करते हैं इन लीड को इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट करते हैं तो एक आपका स्किल बी सीएमक्यू मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिल्कुल शिवानी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड आर डैश एंड आर यूज्ड कॉमन सेंस यूज़ करना बच्चों बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है एंड आई होप कि यू अंडरस्टैंड एवरीवन हम मोस्ट कॉमनली जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं क्या हमें उसको डिस्पोज कर देना चाहिए एंड एक ही बार यूज करना चाहिए या हम दोबारा यूज कर सकते हैं या एक बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं या हम इलेक्ट्रोड को भी रीयूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे सर सुरक्षा कश्यप बहुत बढ़िया बेटा इज यू आर इज ऑन ट्रैक बिल्कुल जिन्होंने लिखा कि सर हम डिस्पोज करेंगे और एक बार यूज करेंगे ये स्टिल बेस एम से आपसे पूछ रहा हूं ऑलमोस्ट जो है डिस्पोजेबल ही यूज करना है द नर्स नो दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्यूलाई एक ऑर्गन का नाम लिखा है मैं आपको बता ऑर्गन की कहानी ये बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसका नाम है एल्यूलाई इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रिस्पारी डिटेक्ट मैंने कहा द नर्स नो दैट प्राइमरी फंक्शन अब इस एल्यूलाई का प्राइमरी फंक्शन क्या है मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको कि एल्यूलाई का प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑप्शन ए ऑप्शन ए फ्यूचर नर्सिंग ऑप्शन कैरी आउट गैस एक्सचेंज ऑप्शन बी मैंने लिखा है स्टोर ऑक्सीजन ऑप्शन सी लिखा हुआ है रेगुलेट टाइडल वॉल्यूम रेगुलेट टाइडल वॉल्यूम और ऑप्शन डी लिखा है

देन अब आपको पता है ये प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई इधर आप देखोगे प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है आई थिंक एवरीबडी नो ये आपकी राइट लंग्स में थ्री लॉब्स होती है लेफ्ट लंग्स में टू लॉब्स होती है अब इस ब्रोंकाई के बाद क्या होता है ब्रोंक्यूल्स ये आपका ब्रोंक्यूल्स है और ब्रोंकिुल्स के बाद में दैट इज़ एल्यूलाई और एल्यूलाई डक्ट एल्यूलाई दैट इज एलय अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जो एम सी क्यू पूछ रहा हूँ फ्यूचर नसीब से, से मैं इस एल्यूलाई की बात कर रहा हूँ. मैंने पूछा दैट इज वट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एलव्यू लाई कई सारी चीजें आपको शेयर करने वाला, आप आंसर बताएं मुझे आप कह रहे सर कैरी आउट गैस एक्सचेंज शुक्रिया अंजलि ऑलमोस्ट बच्चे देख रहे हैं कैरी आउट देखिए हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन तो होगा नहीं हीमोग्लोबिन कब प्रोड्यूस होता है जब आपका आर जो है वो ब्रेकडाउन होता है आर जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है एच बनता है तो मेरा डी को बाहर कर दिया टाइडल वॉल्यूम रेगुलेट करना एल्युलाई का काम नहीं है बिकॉज नॉर्मली मेडुला ओम्लागेटा इज कॉल्ड रेस्पारेटरी रेगुलेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी रेगुलेटरी ऑर्गन एंड स्टोर ऑक्सीजन का भी काम एल्यूलाई का नहीं है इट इज यो राइट आंसर ए आपका राइट आंसर क्या हुआ ए अब क्या होता फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो एल्यूलाई है एल्यूलाई के अंदर थ्री टाइप्स के सेल होते हैं। थ्री टाइप्स के जो है सेल होते हैं, उसमें मैं कह सकता हूं टाइप फर्स्ट सेकंड, थर्ड और आपको याद रखना है टाइप फर्स्ट का काम है गैस एक्सचेंज टाइप सेकेंड का काम है प्रोडक्शन ऑफ सरफेक्टेंट और टाइप थर्ड का काम है फेगोसाइटोसिस तो डेफिनेटली कभी कभी यदि आपको सिर्फ एल्यूलाई लिखा होता है शुक्रिया नामिका कभी कभी क्या होता है कि आप टू और सीओ टू को एक्सचेंज का पूछे और एल्यूलाई के बाद ऐसा लिखा मिल जाए ऐसा लिखा मिल जाए कि टाइप वन टाइप टू टाइप थर्ड टाइप, टाइप तो आपको आंसर लिखना है टाइप आर फॉर गैस एक्सचेंज एक और मजे की बात आपसे पूछेंगे कि कौन से मैकेनिज्म के द्वारा कौन से मैकेनिज्म के द्वारा ओ टू और सीओ टू का एक्सचेंज होता है तो आपको लिखना है डिफ्यूजन क्या लिखोगे बच्चों डिफ्यूजन वेरी गुड मॉर्निंग शिखा यादव Uh, जी भूषण आप एक बार जे के नंबर पे बात करें बेटा थैंक यू अनुराधा तो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी वन ये आपको थोड़ा फर्दर यदि पूछे ना तो भी आपका आंसर गलत ना हो आपका आंसर जो है गलत ना हो आप सही आंसर पुट करें डिफ्यूजन है ना दैट इज कंसंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ओके फाइन एक और एमसीक्यू आपको बताता हूं कभी कभी आपसे पूछेंगे एल्यूलाइज जो है ना एलवियोलाई का प्रेशर पूछते है। प्रेशर पूछते है। तो लिखना 760 सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी ये एम सी क्यू भी देखने को मिल जाता है हो सकता है नॉर्थ सेट के पेपर बनाते समय नॉर्थ सेट के अंदर यदि 100 एम सी क्यू आ रहा है 100 एम सी क्यू आ रहा है तो जरूरी नहीं बच्चों कि 100 के 100 प्रायोरिटी और स्किल और सिनारियो बेस्ड आए या मैच द फॉलोइंग है इन 100 में से फिफ्टीन टू ट्वेंटी एमसीक्यू होंगे जो वन और टू लाइन के होंगे याद रखना और सारा खेल यहीं से खेला जाएगा आप देखोगे हंड्रेड एमसीक्यू का जब पेपर आपका आता है 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा तो कम से कम उसके अंदर मैं पंद्रह से बीस एमसीक्यू सिंगल लाइन का हो सकता है और डबल लाइन का वेरी गुड मॉर्निंग तारा शुक्रिया मैडिया। थिंक अब समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट कैरी करते हैं। ओ आप सब की बेहद मांग पर नॉर सेट सिक्स प्री सारंश बच्चों को अच्छे से पता होगा सुबह आठ बजे से लेकर के शाम को आठ बजे कभी कभी बैठ के सोचना एक मिनट तीस सेकंड थैंक यू कविता शाहू तीस सेकंड बैठ के सोचना कि क्या कोई इंसान क्या कोई टीचर ऑफलाइन बैच में लगातार स्टैंडिंग पोजीशन में जबरदस्त एनर्जी के साथ अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग ऑफिसर बनाने की जिद के साथ मेहनत कर सकता है क्या आपकी टीम जैन से कर रही है आपकी टीम ऑनलाइन में क्या होता है बच्चों ऑनलाइन में यदि बड़ी क्लास है तो आप स्टूल लगा के थोड़ा ब्रेक ले सकते हो आ, या बीच में चेयर पे बैठ के पढ़ा सकते हो ऑफलाइन में 500 प्लस बच्चे आपके सामने बैठे होते हैं उनकी उम्मीद आप होते हो आपकी एनर्जी लैक हो गई तो बच्चों बच्चों के अंदर आलस आ जाएगा बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे बच्चों को 12 घंटे कंसिस्टेंट बेड एक ही जगह बैठना है और बच्चों को अपने आप को बेड सो से भी प्रिवेंट करना है बच्चों को एनर्जी बनाए रखना है मोनोटोनस नहीं होना देना चाहिए उनको स्पार्क करते रहना है आप सोचिएगा हाउ मच रिस्पॉन्सिबल योर टीचर फिर लोग कहते हैं जेएनसी से इतने सिलेक्शन कैसे हुए क्या सच में जेएनसी से इतने सारे सिलेक्शन होते हैं क्यों जब सिलेक्शन की लिस्ट आती है तो गिनने वाले थक जाते हैं क्यों क्योंकि जेएनसी में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट और पढ़ाने वाला हर टीचर दिल से मेहनत करता है आप दस दिन ट्वेल्व आवर्स इंटू टेन वन ट्वेंटी डेज में कंप्लीट फ्री कोई हार्डवर्क कर रहा तो आप सोच सकते हो एक मजे की बात बताऊं पांच बजे की चाय भी बच्चों को मैं टेबल पे देता हूं ताकि उनका ना बीस मिनट भी खराब ना हो जहां फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिस बेंच पे बैठे हैं ना उसकी चाय उसी बेंच पे पहुंचती है ताकि वो पच्चीस मिनट भी हमें और मिल जाए ताकि हम दो टॉपिक और बच्चों को पढ़ा सके और बच्चों को नॉलेज दे सके दैट इज अ रियलिटी दैट इज अ रियलिटी ऑफ नेक्स्ट लेवल हार्ड वर्कर तब जाके नॉर्थ सेट के सपने पूरे होते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप दिल से प्राउड फील कर सकते हो अपने जे एन परिवार के साथ में और ये हकीकत है जो आपके सामने आप महसूस करें होंगे कई बच्चे ऑनलाइन बैच में क्लास को भी अटेंड कर रहे होंगे और इस हार्डवेरक को देख रहे होंगे ये उन बच्चों के लिए है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे एन किसी कोर्स से नहीं जुड़े हैं फिर भी वो चाहता है कि सर हम 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 जो है पढ़ना चाहते तो वो बच्चे भी इस कोर्स को बाय कर सकते हैं बच्चों बिल्कुल जे सी है तो भरोसा है जे एन तो क्वालिटी है जे है तो सिलेक्शन है, तो है और जे है तो मुमकिन है और ये तभी पॉसिबल होता है बच्चों ओके okay, मैं नेक्स्ट एम की तरफ ले चलता हूं ए हॉलमार्क फाइंडिंग इन अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हॉलमार्क फाइंडिंग इन अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक अब आप दिमाग थोड़ा दौड़ाएं अपना मैं फिर आपको uh, सारे ऑप्शन पुट करूंगा

and independent P wave and QRS complex. First degree, first degree AV block ki baat kar raha. First degree AV block ki baat kar raha. First degree, second degree. आपको अच्छे से पता है कि degree ऑफ blockage का जब भी हम बात करें first degree second degree में हम दो पढ़ते हैं मोबिट्स uh, uh, पढ़ते हैं वैंकेब्स पढ़ते हैं थर्ड डिग्री डिफर होता है मैंने आपको फर्स्ट डिग्री अभी ब्लॉक कैम्प की पूछा है और मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सर बी राइट होगा लॉक भी लगा दिया टेक्निकल संजय ने तो लॉक भी लगा दिया क्या बात है थैंक यू रितिका लव फ्रॉम उड़ीसा शुक्रिया आई लव फ्रॉम जोधपुर राजस्थान एब्सोल्युटली पीआर एक्चुअली क्या होता है पी आर जो होता है बच्चों नॉर्मली जीरो पॉइंट वन टू से लेके जीरो पॉइंट टू जीरो सेकेंड इफ इफ पी आर एक्सीड मोर देन जीरो पॉइंट टू जीरो इज कॉल्ड इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक इफ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पी आर एक्सीड मोर देन जीरो पॉइंट टू सिक्स नीड टू ट्रीट इमीडिएटली हमें तुरंत ट्रीट करना हम इनिशियली जी सविता हाँ जी माय डियर हम इमीडिएटली जो यदि आपका पीआर इंटरवल जो है वो 0.26 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें तुरंत जो है ट्रीट करना है तुरंत ट्रीट करना है 0.20 से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को जो है फर्स्ट डिग्री ए वी ब्लॉक है और जैसे ही ये आपको 0.26 से ज़्यादा दिखे शुक्रिया साया देव तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को जो है फर्स्ट डिग्री बैक इमेज दिखाता देखिए फोटो देखना बच्चों थोड़ा फोकस करना इस इमेज की तरफ देखिएगा इस इमेज की तरफ देखिएगा यह पेशेंट का पी है यह क्यू है यह आर है यह एस है यह टी है अगेन पी क्यू आर एस टी अगेन पी क्यू आर एस टी आप इस ईसीजी को देखेंगे आप देख पा रहे होंगे पी आर इंटरवल नॉर्मल से ज्यादा है आप देख पा रहे हैं पी आर इंटरवेल नॉर्मल से ज्यादा है आप देख पा रहे हैं पी आर इंटरवेल नॉर्मल से ज्यादा है सभी वेव में नॉट सिंगल वेव सभी वेव में आप देख पा रहे होंगे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इसका मतलब पेशेंट को फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक है याद रखने का सिंपल तरीका फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक है जो एट्रियल इम्पस वेंट्रिकल में आने में टाइम ले रहे हैं इट कैन कॉज फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मत भूलना मैं सेकेंड और थर्ड के बारे में भी जिक्र करूंगा और बता देता हूं नॉर्थ सेट के पसंदीदा एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू हो सकता है दैट इज अ फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक की मैं बात करूं समझ में आ गया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस को PR मैंने कहा था जीरो से लेकर जीरो पॉइंट टू जीरो बट इट इज मोर देन और ये जीरो पॉइंट टू जीरो से ज्यादा तो प्रियंका मैं क्लास ले रहा हूं प्रियंका आपको टीच कर रहा हूं हाउ नो माई डियर प्रियंका प्रियंका बामनिया या तो मैं क्लास ले लू बेटा या यहां से भाग के जाऊं क्लासरूम में और स्विच ऑन ऑफ करके चेक करूं है मिस प्रियंका बामनिया आपको बोल रहा हूं बेटा आई यू हैव कॉमन सेंस सर क्लास नहीं चल रही सर क्लास नहीं चल रही सर क्लास नहीं चल रही लगातार लगातार मैसेज लिख रहे हो तो या तो मैं क्लास छोड़ के चला जाऊं क्लास चालू करने चला जाऊं बेटा ऊपर है कॉमन सेंस कहा है बेटा प्रियंका बामनिया आपको बोला बेटा